आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना रिवाइज्ड सिलेबस, जिसको क्यूरिकुलम बोलते हैं, वो 2020 20 और 21 का कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे देखेंगे सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गूगल ब्राउज़र, अपना एक ब्राउज़र ओपन करना है गूगल क्रोम में, और उसमें टाइप करना है CBSE एकेडमिक, CBSE, फिर जैसे यहाँ लिखा हुआ है ACADEMIC.NIC.IN, फिर टाइप करने के बाद ये आ जाएगा। फिर उसमें यहाँ पे क्यूरिकुलम जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको रिवाइज सिलेबस चेक करना है 2020-2021 सेशन के लिए, तो आप उस पर क्लिक करेंगे रिवाइज पे। तो रिवाइज पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का पेज ओपन होगा। फिर पेज ओपन होने के बाद आपको पता चलेगा, अगर आप 9-10 का देखना चाहते हो तो 9-10 पे क्लिक करेंगे। 9-10 पे क्लिक करने के बाद ये फिर रिवाइज्ड लैंग्वेज पेपर में आपको क्या चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, उसको देखने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये पता चल जाएगा। ठीक है, कि क्या चेंज हुआ है लैंग्वेज पेपर में। अगर आप देखना चाहते हैं मेन सब्जेक्ट में क्या चेंज हुआ है, जो आपका सब्जेक्ट है, और फिर रिवाइज्ड अदर एकेडमिक इलेक्टिव्स ग्रुप A2 बोल के हैं, ये सारे सब्जेक्ट हैं उसमें क्या चेंज हुआ ये पता चल जाएगा, और जो जो चेंजेस आप यहाँ से देख सकते हैं और फिर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। कौन सा पोर्शन इसमें डिलीट किया गया है, यहाँ क्यूरिकुलम डायरेक्शन डिटेल्स बोल के दिया गया है, वहाँ से आप देख करके उसको डाउनलोड क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही जो सब्जेक्ट आप चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज आपको 11-12 का देखना है तो 11-12 पे क्लिक करेंगे। फिर आपका कौन सा लैंग्वेज में कौन कौन सा चेंज हुआ वो देखना चाहते हैं तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। और एकेडमिक इलेक्टिव ग्रुप ए बोल के जो पेपर है, जैसे अकाउंटेंसी में क्या चेंज हुआ है, बिजनेस स्टडीज़ में, या फिर इकोनॉमिक्स में, या फिर अदर सब्जेक्ट में, आप यहाँ से क्लिक करके एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। और ये अदर सब्जेक्ट, फिर क्यूरिकुलम डिडक्शन डिटेल, मतलब कौन कौन सा, जैसे सपोज अकाउंटेंसी में क्या डिलीट हुआ है, इकोनॉमिक्स में क्या डिलीट हुआ है, बिजनेस स्टडीज़ में क्या डिलीट हुआ है, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही चेक होता है। और मैं इसका डायरेक्ट लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और इस तरीके से अपना न्यू सेशन 2020-21 आप आसानी से अपना सिलेबस जान सकते हैं। और जो आप क्लास में हैं 9-10-11-12, जिस क्लास में हैं उस क्लास के हिसाब से कौन सा सिलेबस रिवाइज्ड बनाया गया है और पहले क्या था वो भी आप चेक कर सकते हैं। सपोज़ आपको पहले वाला सिलेबस चेक करना है तो पहले वाले सिलेबस के लिए भी चेक कर सकते हैं, इससे पहले क्या था, न्यू क्या अपडेट हुआ है। ठीक है, वो सारा कुछ जान सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूरिकुलम दो ऑप्शन है, क्यूरिकुलम में रिवाइज्ड क्यूरिकुलम, एक होता है क्यूरिकुलम 2020-21, इस पर क्लिक करके आप इससे पहले वाला क्या क्यूरिकुलम था वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारा डिटेल दिया गया है, आप उसको चेक कर लेंगे आसानी से। ठीक है, ये देखिए क्यूरिकुलम में जैसे मैंने क्लिक किया ये न्यू पेज ओपन हुआ, और इस न्यू पेज में आपका डिटेल लिखा रहता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि ये सिस्टम में उस पर जो क्यूरिकुलम में क्लिक करते हैं थोड़ा लेट होता है। ठीक है, ये देखिए क्यूरिकुलम फॉर द एकेडमिक ईयर, यानी इससे पहले क्या था उसी तरह का सेम लाइक जैसे मैंने आपको इसे प्रीवियस चेक करके दिखाया वैसे आपको चेक करना। ठीक है, वैसे आप आसानी से वन बाई वन करके, जैसे मैंने बोला ग्रुप वन पर क्लिक किया तो सारा आया। ठीक है, वैसे करके आप चेक कर सकते कि इससे पहले क्या सिलेबस था, ये प्रीवियस सिलेबस है। क्या सिलेबस था ये सब आसानी से आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, और जो आपका सब्जेक्ट है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और मैं इसका लिंक जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्ट जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप आसानी से डायरेक्ट जाकर चेक कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो ये टाइप करके अपने ब्राउज़र में CBSEacademic.NIC.IN से भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।